Good afternoon, children. It's maths time. Today we will learn about multiplying two digit numbers by one digit number. Yesterday we did story problems. हमने स्टोरी प्रॉब्लम्स की थी कल, है ना. अब हम टू डिजिट नंबर को, अभी तक तो हम वन डिजिट को वन डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे. अब हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर. देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं, और मैंने कल आपको एक ये भी बताया था, क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर है इसका 79. पेज नंबर कितना है बच्चों? 79. तो कल मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं बच्चों? फाइंड द प्रोडक्ट. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इट मींस आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ हम लिख रहे हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 20 into 4. अब इसको हम लिखेंगे 20 into 4. ये मल्टीप्लाई का साइन, ये हमने 20 लिख दिया, ये इसमें भी पूरा वंस और टेंस का रहेगा. जो वंस और टेंस हमने सीखे हैं हर जगह काम आएंगे आपके, वंस और ये टेंस, है ना. ऐसे रॉ फॉर्म में लिखा है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. 20 और वंस के नीचे, वंस प्लेस वाले नंबर है वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस वाले टेंस प्लेस पे, नीचे कुछ भी नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट से कर रहे हैं हम टू डिजिट को. ये ऊपर टू डिजिट नंबर है और नीचे ये हमारा वन डिजिट नंबर है. मैंने जब आपको काउंटिंग सिखाई थी तब मैंने आपको बार बार बताया था कि वन डिजिट नंबर क्या होता है, टू डिजिट क्या होता है, थ्री डिजिट क्या होता है, है ना. तो 1 से 9 जो भी नंबर है सिंगल नंबर, वन डिजिट. 10 से 99 टू डिजिट, और 100 से 999 थ्री डिजिट, और 1000 से अबव बहुत सारे होते हैं, 5 digit 6 digit पर अभी हम 4 digit तक ही जा रहे हैं. तो 1000 से 9999 तक 4 digit नंबर हमारे रहेंगे. तो इतना आप अभी 3 digit तक समझ लो क्योंकि हमारे इतना ही आ रहा है अभी. तो ये 2 digit है और ये 1 digit है. तो हमने 20 को लिख दिया, प्लेस लगा दिए दोनों के, वंस और टेंस प्लेस. अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई. अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई बच्चों? सबसे पहले जो ये, इसको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस को वंस. अब हमारे पास ये जो नंबर जो नीचे लिखा रहता है उसको ऊपर वाले दो नंबर, थ्री नंबर जितने भी नंबर है उन सबसे मल्टीप्लाई इसी नंबर को हम लोग करें. अभी सिंगल डिजिट सीख रहे हैं इसलिए इतना सीखो. फिर हम लोग इसी 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. आया ना, थोड़ा और इसको मैं ब्रॉड कर देती हूँ. ये 20 व्हाइट चॉकलेट है, ये 20 और ये 4 और ये मल्टीप्लाई. तो पहले हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे इन दोनों. समझ में आया आपको? तो ये वंस और ये टेंस प्लेस है हमारा, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा ब्रॉड करके दिखाते हैं इसलिए आपको स्क्रीन पर अच्छा दिखेगा. अब हमें बोलना है 4 का टेबल इतने टाइम्स. जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स समझाए थे तब भी बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज वी गेट 0. मल्टीप्लाई में है ये, मल्टीप्लाई में जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0. तो हम ये लिख देंगे यहाँ 0. अब हम करेंगे 4 को 2 से. 4 की टेबल 2 टाइम्स बोलिए, 4 1s are 4, 4 2s are 8. तो हम यहाँ इस 2 के नीचे इसको लिख देंगे 8. तो क्या आंसर आ गया हमारा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 80. ये हमारा आंसर है. 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 80. ओके, चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.
इसको हम लिख देते हैं एटी, ये हो गया हमारा एटी। अब हम करते हैं सभी जीरो वाले ही हैं, देखो आपको समझाने के लिए बी वाला कर लेते हैं। बी है 40 × 2, 40 × 2, तो ये हमारा 40 और ये हमारा 2, ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन, ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस। ओके, वही समझने के लिए मेथड, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। टू को मीन्स यानी का मतलब है पहले वंस से मल्टीप्लाई करो, फिर टू को टेंस वाले प्लेस पे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई, टू को जीरो से, वही मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्रियां काम आएंगे, जीरो से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो। अब टू का टेबल 4 times बोली है, 4 का टेबल 2 times बोली है, सेम है वही जो हमने अभी पीछे जो सीखा है वही सारे फैक्ट्रियां काम आ रहे हैं। 4 का टेबल 2 times बोलो या 2 का टेबल 4 times बोलो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 2 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 12, 2 4s are 16, तो क्या आंसर आ गया बच्चों हमारा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया है 160। आ रही बात समझ में आपको? चलो और करते और एग्जांपल सॉल्व करते, फिर आएगा हमारा, अब मैं आपको करा देती हूँ ओ वाला 80 × 5, वाला 80 × 5 वंस और ये जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो आ गया। अब 5 की टेबल 8 times बोली है, 8 की टेबल 5 times बोली, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, तो ये हमारा आंसर आ गया 40। क्या आंसर आया हमारा 80 × 5 = 400। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब ये तो हो गए जीरो वाले, है ना, जीरो वाले अब आप कर लेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही हमारा आंसर है। प्लस माइनस में ऐसा नहीं है, प्लस में जीरो ऐड करेंगे तो जो नंबर होगा वो आ जाएगा, माइनस में अगर जीरो ऊपर है और नीचे कोई नंबर है इट मीन्स आपको नेबर वाले नंबर से बोरो करना पड़ेगा और उसको 10 बनाना होगा, तो अलग अलग है सब में रूल्स, है ना। और मल्टीप्लाई में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर जो नीचे जो होगा प्रोडक्ट जो आएगा वो जीरो आएगा। ओके, चलिए अब करते हैं हम कुछ नंबर्स का, तो ये एग्जांपल है 34 और 8 × 10, ये वंस और ये टेंस। अब 8 की टेबल हम बोलेंगे 4 times, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32। अब हमारे पास वंस प्लेस में वही 2 digit वाला नंबर आ गया, कैरी बोरो काम आने वाला है, 32 आया ना, तो ये वाला नंबर तो हम रखेंगे इस प्लेस पर। व्हाइट चौक लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला जो नंबर है हमारा 2 वंस प्लेस वाला तो हम यहाँ रख देंगे और ये नंबर है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब मैं 8 की टेबल हमको 3 times बोल रही, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, और फिर हमारे पास क्या नंबर आएगा 24 25 26 27 24 में हमने ये हमारा आंसर ये कैरी वाली, अभी आपके है नहीं वैसे, पर ये इस तरीके से है तो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम करते हैं 34 को 2 से, बहुत इजी सा है, सेम मेथड है, फोर टू जा एट
तो आज आपको पेज नंबर 79 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट, सारा जीरो वाला मल्टीप्लाई है वो करिए। फिर हम चलते हैं पेज नंबर 80 तक। पेज नंबर 80, ये तो हमारा पेज नंबर 79 जीरो क्वेश्चन नंबर 1। फिर पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई। फिर है ए वाला कर लेते हैं 11 7, ये मल्टीप्लाई है सर, ये वन सॉ ये 7000 7000 7000, ये आगे हमारा आंसर, ये हमारा प्रोडक्ट है ना। फिर कर लेते हैं हम लोग एफ 15 2, ये वंस और ये टेंस, 5 2 10, ये जीरो, 10 है तो यहाँ जीरो और ये वन हमें यहाँ कैरी करना होगा, 2 1 2 और ये 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 30। जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जो हमने कैरी फॉरवर्ड करने का जो सीखा था, सेम मल्टीप्लाई में भी यूज होगा। जैसे ही वंस प्लेस पे टू डिजिट में नंबर आते हैं, वंस वाला नंबर आपको यहाँ रखना है और जो टेंस वाला है वो कैरी फॉरवर्ड करना। अगर आगे कोई नंबर नहीं है तो एज इट इज लिख दीजिए, और नंबर है तो जैसा मैंने अभी किया है सॉल्व वैसे करना। और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, अभी हम कर लेते हैं एच वाला। एच क्या है, 26 2 26 वंस और ये टेंस, 6 2 6 2 12, तो 12 पूरा 12 तो हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी लिया नंबर, तो 12 का हम यहाँ 2 यहाँ रखेंगे, 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड, 2 2 4 और उसमें ये कैरी वाला 1 प्लस करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, तो आंसर आ गया हमारा 52। समझ में आया आपको? चलो और कर लेते हैं एक दो एग्जांपल। फिर है हमारा जे वाला, सॉरी आई वाला कर लेते हैं। आई है हमारा 25 3, फाइव थ्री आर 15, तो 15 में से कौन सा नंबर रखेंगे, वंस प्लेस वाला, और टेंस प्लेस वाला क्या कर देंगे बच्चों, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब 3 2 6, 6 में ये 1 को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा हमारा 7, तो हमारा आंसर आ गया 75। ओके, तो ये हमारे इस तरीके से सॉल्व करने वाले, जीरो वाले तो इजी है, जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो और जो नेक्स्ट नंबर में जो भी नंबर आता है वो फिर उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर पेज नंबर 80 पे थोड़ा कैरी फॉरवर्ड का ध्यान रखना है आपको, बस टू डिजिट में अगर वंस प्लेस पे आता है तो वंस प्लेस वाला इस पे रख के, और जो टेंस प्लेस वाला है नंबर उसको आप कैरी फॉरवर्ड, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और उसको ऐड करने का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 3 2 6 लिख दिया आपने, रॉन्ग हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 1, 6 में प्लस 1 करके आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करिए बुक के अंदर, पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 इन बुक, पेज नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 1 इन बुक, बुक में ही करिए इनको, बुक में सॉल्व करिए, फिर हम लोग इनको कॉपी में कब करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे भी चलेंगे, फिर पेज नंबर ये सेम है, बस उसको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया गया है। फिर मैथ जिम सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, आज आप ये पेज नंबर 79 और 80 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों सॉल्व कीजिए।
और कैरी फॉरवर्ड करने का ध्यान रखिए, और उनको ऐड भी करना है, बस इतना ध्यान रखिए। टेबल की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बेटा।